सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के हिंदी विषय के चैप्टर नंबर 4 को, जो कि है विराम चिन्हों की पहचान। इसके सभी वो विकल्पीय क्वेश्चंस को आज यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, हम लोगों ने राजन सीरीज और पवन सीरीज कंप्लीट करवा दिया है और उसमें भी मैंने ऑलरेडी अच्छे से आप लोगों को विराम चिन्हों के विषय में पढ़ाया है, तो आप लोग उन वीडियोज को भी देख लीजिएगा। उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। इसके अलावा साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं। सभी विषयों का प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, तो आसानी से आपको कोई भी वीडियो बहुत ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर विषय का प्लेलिस्ट बनाने से उस विषय के जितने भी वीडियो हैं आपको सभी खुल करके आपके सामने आ जाते हैं और आपको जो भी वीडियो देखना है, जिसको भी समझना है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम बहुविकल्पी क्वेश्चंस को समझते हुए और हल करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में उद्धरण अवतरण चिन्ह है। उद्धरण अवतरण का मतलब दोस्तों, जैसे किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया, जैसे तिलक जी ने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो तिलक जी ने क्या कहा, जो उन्होंने कहा उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में, या फिर इसी को हम हिंदी में कहते हैं दोहरा उद्धरण। अब इकहरा उद्धरण क्या होता है, इकहरा उद्धरण का मतलब जैसे आप किसी लेसन का नाम लिख रहे हो, किसी विषय पर आप निबंध लिख रहे हो, तो उसके दोनों तरफ ऑफ इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करोगे, यानी कि उद्धरण अवतरण चिन्ह का प्रयोग करोगे, लेकिन केवल एक का प्रयोग करोगे, ठीक है। लेकिन जब किसी का स्टेटमेंट दोगे आप, तो आप डबल का प्रयोग करोगे, यानी कि जैसे कि अगर एक एग्जांपल हम और दें, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा है, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो इसको हम किस में रखेंगे, इसको हम दोहरा उद्धरण या दोहरा उद्धरण अवतरण चिन्ह के अंतर्गत रखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो उद्धरण चिन्ह होता है वो दो प्रकार का होता है, इकहरा और दुकहरा, जिसमें एक में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है, एक में डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है। तो इसमें उद्धरण अवतरण चिन्ह आप देख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ पर दिया हुआ है, कॉमा यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये जो लाइन दी हुई है, ये लाइन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सेंटेंस होगा या कोई शब्द होगा और उसके अगल बगल आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। जैसे कि यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, दिल्ली चलो ये नारा दिया गया है, तो नारा दिया गया है तो इसलिए यहाँ पर ये किसी का कथन है, इसलिए यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा या दुकहरा दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन अगर कोई कविता होगी या किसी का किसी की कोई रचना है, जैसे कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक रचना है या जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, तो कामायनी के अगल बगल हम केवल एक इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, जैसे यहाँ पर डबल लगा हुआ है हम केवल एक लगाएंगे, तो यहाँ पर वही पूछा है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। बस केवल हमें क्या करना है, दोनों तरफ ऐसे कॉमा लगा देना है इस तरीके से, उस शब्द के या फिर उस शीर्षक के, और जब किसी का कथन होगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा या दोहरा उद्धरण अवतरण चिन्ह हम लगा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली चलो में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोहरा उद्धरण चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, तो इसी को हम हिंदी में कहते हैं दोहरा उद्धरण। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तो इकहरा और दुकहरा, इकहरा और दोहरा, ये दो प्रकार के होते हैं उद्धरण अवतरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 3 है, निदेशक चिन्ह को अंग्रेजी में कहते हैं डैश, कॉलम, हैश या फिर कोई नहीं। दोस्तों, निदेशक चिन्ह का मतलब है कि आप एक डैश लगा देते हो, जैसे कि उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, डैश उसके बाद आगे, यहां पर आप देखिए लगा हुआ है निदेशक चिन्ह, आप यहां पर देख सकते हैं, तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं इंग्लिश में डैश। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त शब्दों तथा समास में प्रयोग किया जाता है। संयुक्त शब्दों तथा समास में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन है योजक चिन्ह, अर्ध विराम, पूर्ण विराम या फिर ये सभी। दोस्तों, जो संयुक्त शब्द होते हैं या फिर समास है, उसमें हम प्रयोग करते हैं योजक चिन्ह, जैसे कि माता पिता, तो माता और पिता के बीच में हम एक डैश लगा देते हैं, तो इसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। दिन रात के बीच में डैश लगा देते हैं, इस तरीके से इसे हम कहते हैं योजक चिन्ह, तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है।
दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लेख या कविता का शीर्षक लिखते समय कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि किसी कविता का शीर्षक, किसी लेखक की रचना का नाम, या फिर इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पर हो जाता है इकहरा उद्धरण, यानी कि केवल एक इन्वर्टेड कॉमा लगता है इस तरीके से। इस तरीके से केवल एक इन्वर्टेड कॉमा में उसको हम, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये कोई रचना है तो इसके अगल बगल हम उसको लगा देंगे उस चिन्ह को, तो ये हो जाएगा यहाँ पर इकहरा उद्धरण। इस तरीके से इकहरा उद्धरण में क्या होता है, केवल और केवल एक इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है, लेकिन अगर दोहरा पूछेगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा इस तरीके से दो लग जाएंगे। ठीक है, कॉमा लग रहा है यहाँ पर, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंग्लिश में भी याद रखिए। अगर जिन प्रशिक्षुओं को दिक्कत होती है, आप किसी में भी याद रखोगे, आपको एग्जाम में वो आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसलिए इसको आपको पता है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया इकहरा, लेख या कविता का शीर्षक लिखते समय या किसी भी लेखक के रचना का नाम लिखते समय हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इतिश्री शब्द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इतिश्री का प्रयोग हम तभी करते हैं जब कोई अध्याय समाप्त हो जाता है। जब आपने देखा भी होगा आपकी किताबों में, जब कोई लेसन कंप्लीट होता है तो उसके नीचे इतिश्री चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इतिश्री चिन्ह का प्रयोग मैं भी आपको दिखाती हूँ कैसा होता है इतिश्री चिन्ह, कुछ इस तरीके का यही होता है। आप देखिए यहाँ पर एक इस तरीके से, ये आप देखिए यहाँ पर ये गोल सा है, उसके अगल बगल दो बिंदु है, फिर एक डैश खींचा गया है। तो जब लेसन कंप्लीट होता है, कोई पाठ या कोई कहानी कंप्लीट होती है, तो जब जगह बची होती है नीचे, तो यहाँ पर इस तरीके से ये बना दिया जाता है। तो इसका मतलब लेसन अब कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया अध्याय की समाप्ति पर, लेख की समाप्ति पर, या फिर रचना की समाप्ति पर। तो ये सभी क्या हो गए सही। तो इसीलिए यहाँ पर जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि तीसरी का प्रयोग हम अध्याय की समाप्ति पर, लेख की समाप्ति पर, रचना की समाप्ति पर, किसी पर भी कर सकते हैं। जहां पर भी वो लेसन कंप्लीट होता है वहीं पर इसका प्रयोग हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, गणित में हम कहते हैं जोड़ का निशान, और अगर शुद्ध हिंदी भाषा में हम कहें तो इसे हम कहते हैं योग चिन्ह। लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है ये जो चिन्ह है इसको हम गणित में बराबर कहते हैं, और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम कहेंगे समता चिन्ह, यानी कि समान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समता। इतिश्री तो होगा नहीं, पूर्ण विराम तो एक लाइन होती है, पूर्ण विराम तो आप सभी को पता है सेंटेंस कंप्लीट करने पर होता है। विस्मयादि बोधक भी आपको पता है, एक लाइन होती है उसके नीचे एक बिंदु होता है, विस्मयादि बोधक हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, लद गई आम्र तरु की डाली, हो उठी कोकिला मतवाली, इस पंक्ति में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं सिंगल इन्वर्टेड कामा लगाया गया है, यहाँ जहां शुरू हुआ है वहां, फिर यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को ही क्या कहते हैं, इकहरा उद्धरण। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। पूर्ण विराम आप सभी को पता है एक लाइन होती है, अल्प विराम कॉमा होता है, तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों विराम चिन्ह 16 प्रकार के होते हैं, आप याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, जब वाक्य में हर्ष, शोक, भय, चिंता आदि भावों को प्रकट किया जाता है तो विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। आप सभी लोगों को पता है जब बहुत अधिक खुशी होती है, बहुत अधिक आश्चर्य होता है, बहुत अधिक दुख होता है, बहुत भय होता है, चिंता होती है, तो वहां पर होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। और विस्मयादि बोधक चिन्ह इस तरीके का होता है, एक लाइन होती है और एक बिंदु होता है, तो बस ऐसे एक लाइन और उसके नीचे एक बिंदु, बस यही हो गया विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी लेख या रचना के अंत में चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। किसी लेख या रचना के अंत में आप सभी लोगों को पता है जब अंत होता है तो किस चिन्ह का प्रयोग होता है, योग चिन्ह, समता चिन्ह, इतिश्री या फिर उद्धरण। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, इतिश्री। और ये क्वेश्चन कई बार अभी तक पूछ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह आप सभी लोगों को पता है, कोई भी क्वेश्चन
जाता है तो उसके बाद लगता है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आप सभी को ऑलरेडी पता ही है। इसके अलावा ये विस्मयादिबोधक बोधक चिन्ह हो गया, और ये अर्ध विराम हो गया, और ये कोष्टक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोष्टक में लिखा गया शब्द प्रायः होता है विशेषण, संज्ञा, इतिश्री या फिर उद्धरण। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए विशेषण। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोप अथवा हंस पद है। लोप का मतलब दोस्तों, अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो और गलती से कोई कोई उसमें से शब्द छूट गया, कोई वर्ड छूट गया, तो आप क्या करते हो, आप वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हो और उसके ऊपर उसी लाइन के उस शब्द को लिख देते हो। इसे हम विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहते हैं। कोई भी शब्द छूट गया है तो आप बस इसको लगा करके उसी सेंटेंस के ऊपर, उसी उसी वाक्य के ऊपर इसको आप उस शब्द को लिख सकते हो। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोप अथवा हंस पद का चिन्ह। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। बाकी ये विस्मयादि बोधक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, और ये कोष्टक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लाघव चिन्ह है। लाघव चिन्ह दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, चार दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं ऑप्शन बी की बात करूं तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन सी की बात करूं तो ये इकहरा उद्धरण चिन्ह है। एक बीच में कोई शब्द लिखा होगा, शीर्षक लिखा होगा, उसके अगल बगल एक सिंगल इन्वर्टेड कामा लग जाएगा। और ये इतिश्री का चिन्ह है, यानी कि किसी भी अध्याय के समाप्ति पर, रचना की समाप्ति पर हम इसका प्रयोग करते हैं। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए है, अब यही सही है, लेकिन कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। लाघव चिन्ह का मतलब, जैसे हमारा जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश प्रायः लोग नहीं लिखते हैं ऊ लिख करके एक शून्य और प्र लिख करके एक शून्य, इस तरीके से लिखते हैं। तो वो जो शून्य होता है वही लाघव चिन्ह होता है, यानी कि कोई बहुत बड़ा नाम है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। जैसे डॉक्टर लिखना, तो हम डॉक्टर पूरा नहीं लिखते हैं, ड पर आ की मात्रा लिख करके और क्या करते हैं हम आगे इस तरीके से इसको लगा देते हैं, एक शून्य लगा देते हैं। आप शून्य समझिए या फिर ओ समझिए, तो इस तरीके से लगाने से ये क्या हो जाता है, वो संक्षेप में हो जाता है वो नाम। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये क्या करता है, शब्द का संक्षेपीकरण कर देता है लाघव चिन्ह। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इतिश्री चिन्ह है। इतिश्री, इतनी बार आप लोगों ने देख लिया, आप सभी लोगों को पता है इतिश्री चिन्ह कौन सा है, किसी भी अध्याय की समाप्ति पर, रचना की समाप्ति पर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे सबको आपने कंप्लीट किया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चाहे आपके कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप हो, फ्रेंड्स का ग्रुप हो, फेसबुक पर, जहां पर भी आपको लगे दोस्तों कि इस वीडियो की जरूरत है वहां पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस बनाते हैं हम, उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंच जाए, और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। हमने आपके सभी विषयों को पढ़ाया है, सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं, सभी विषयों का हम लोगों ने अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी, यहाँ तक कि लघुत्तरी क्वेश्चन भी करा दिया है, पवन सीरीज और राजन सीरीज का, और ये ठाकुर सीरीज तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं। तो इस तरीके से हमने कोशिश की है कि आप लोगों के सभी जितने भी डाउट हैं सबको क्लियर कर लें, और जितने भी चीजें हैं कुछ बचने ना पाए सब हम आपको पढ़ा दें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते हुए रहेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।